बारे में भी हमने जानकारी ले ली है। आज जो हमारा रहेगा वो रहेगा मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इसमें, और क्या काफी लोगों का होता है कि कुछ साइड इफेक्ट है क्या। हम अधिकतर टाइम तो हम लोग डर डर के जीते हैं, ठीक है, तो साइड इफेक्ट को समझना भी बहुत जरूरी है। साथ में ये क्यों अलग है, आज जो हम एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी इसकी तरह भाग रहे हैं क्योंकि हमको लगता है ये सेफ है, तो उससे भी कोई एडवांस थेरेपी है उसके बारे में हमको जानकारी आज लेनी है। और सुमेर सर है हमारे साथ, वेलकम सुमेर सर, आगे की जानकारी आप इन्हें जरूर थैंक दीजिएगा। वेलकम सर, थैंक यू। यू मैम। आप मेरे को सुन पा रहे हैं मैडम? ठीक हाँ जी सर, है जी, ओके, आज आपके वहां थैंक लाइट भी बहुत अच्छी है सर। थैंक यू सर। जी। मुझे भी ऐसा लगा था कि सभी लोगों का चेहरा दिखना चाहिए, तो फिर क्यों ना दिखे। ठीक है ना मैम, कोई बात नहीं। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजपूत सुमेर सिंह, वडोदरा से। और हम जिस सीरीज को चला रहे हैं और अभी तक जिस सीरीज को हम लोगों ने रन किया है सर, हमारा मकसद यह है कि लोगों को जो है कि अवेयरनेस किया जाए कि एक ऐसी भी थेरापी मार्केट में आ चुकी है कि जहां पर आज तक जिसके बारे में ये कहा जाता था कि भाई एक बार अगर कोई डिजीज हो जाती है, यानी कि एक बार अगर कोई अनक्योरेबल डिजीज हो जाती है तो उसे कभी क्योर नहीं किया जा सकता, उसको पूरी जिंदगी लेके ही जीना पड़ता है और मरो तब तक वो अपने साथ ही रहती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन वी आर वेरी लकी माई डियर फ्रेंड कि हम लोग जिस थेरापी की अभी बात कर रहे हैं वो थेरापी ऐसी जबरदस्त है कि जहां पर बाकी सब थेरापी काम करना बंद करती है वहां से ये शुरू करती है सर। तो आज हम बिना टाइम बिगाड़े हुए सीधा ही, कल तक हम लोगों ने ये देखा था कि ये प्रोडक्ट मतलब स्टेम सेल क्या है और ये कैसे काम करता है और ये किस किस जगह पे काम करेगा, इसके ऊपर हम लोग जरूर बात करेंगे। कल हम लोगों ने साइड इफेक्ट के ऊपर भी बात किया था और आज हम जो बात कर रहे हैं सबसे पहले ये बात करेंगे सर कि ये प्रोडक्ट हम, यानी कि ये थेरापी हम किसको दे सकते हैं। इसके ऊपर तो हमने बहुत सारी बातें की है, लेकिन ये थेरापी हमें हम किसको नहीं दे सकते इसके ऊपर भी हमें थोड़ी चर्चा कर लेनी है सर। जितने भी डिजीज जो अंदर से पैदा होते हैं उन सारे डिजीज में, सारे ही डिसऑर्डर्स में आप स्टेम सेल थेरापी का उपयोग कर सकते हो और उसमें रिजल्ट आना तय है, तय है, तय है, तय है और तय ही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है सर कि जहां पर हम इसको नहीं दे पाएंगे या जहां पर हमें ये नहीं देनी चाहिए या जिसको ये उपयोग नहीं करना चाहिए, मैं उसको भी खुल के आपके सामने रख लेता हूं सर। एक्चुअली क्या है सर कि याद रखिएगा कि जिन लोगों की बॉडी में कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, माई मीन्स जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, अदर कोई सा भी अंग, यानी कोई सा भी ऑर्गन अगर हमने ट्रांसप्लांट किया है अपनी बॉडी में, तो उस बंदे को मैक्सिमम 6 महीने तक ये प्रोडक्ट नहीं देना है सर। और क्यों नहीं देना है इसके पीछे मैं भी ये भी सारी बातें बोल देता हूँ। वो इसलिए नहीं देना है सर कि एक्चुअली कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में मतलब एक सिस्टम है जिसको कहते हैं रिजेक्शन सिस्टम, और रिजेक्शन सिस्टम जब एक्टिव होती है तो हमारी बॉडी को भगवान ने बनाया ऐसा है सर कि फॉरेन बॉडी पार्ट कभी भी हमारी बॉडी एकदम से एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर आपने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है या फिर आपने जो है कि लीवर ट्रांसप्लांट कराया है या बोन मेरो ट्रांसप्लांट XYZ जितना भी करवाया है, तो एक्चुअली डॉक्टर्स क्या करते हैं सर कि फॉरेन बॉडी पार्ट जब हम अपनी बॉडी में इम्प्लांट करवाते हैं सर, तो हमारी इम्यून सिस्टम को डाउन करने की थेरापी डॉक्टर ने दे के रखी होती है, जिससे हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो जाती है। और जब डाउन इम्यून सिस्टम रहती है और उस दौरान अगर उस पार्ट को हमारी बॉडी में इम्प्लांट किया जाए तो वो रह के धीरे धीरे सेट हो जाता है, और जब वो सेट हो जाता है तो उसके बाद जो है कि धीरे धीरे वो इम्यूनिटी को ऊपर उठाया जाता है, तो ये थेरापी दी जाती है।
एक्चुअल में डॉक्टर ने क्या है कि हमारी इम्यून सिस्टम को डाउन करने की थेरापी देके वो ट्रांसप्लांट किया होता है सर। और अगर इन बिटवीन अगर हम स्टेम सेल उसको देंगे, तो आप और हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेम सेल देने से क्या होगा सर, कि स्टेम सेल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है सर। और जब हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी तो उसने जो पार्ट लगाया है वो थ्रो आउट होने का खतरा बढ़ जाता है सर। इसलिए जो है कि हम ऐसे किसी भी पेशेंट को आपको नहीं देना है या नहीं लेना चाहिए जिसने 6 महीने अभी तक जिसको ट्रांसप्लांट किए हुए नहीं हुआ है। याद रखिए दोस्त, ट्रांसप्लांट करने के बाद क्या इस थेरापी को लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि आपने जो भी ट्रांसप्लांट करवाया है मेरे भाई, वो ट्रांसप्लांट आपका परमानेंट नहीं है। आपने लीवर ट्रांसप्लांट किया हो या फिर आपने किडनी ट्रांसप्लांट की है, तो वो 6 साल, 7 साल, 8 साल, मैक्सिमम कितना भी केयर करो 9-10 साल, इसके बाद उसके फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन आफ्टर 6 मंथ, आपने 6 महीना पूरा करने के बाद अगर वो अपनी स्टेम सेल थेरापी को लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि आपको दोबारा से कभी ट्रांसप्लांट कराने की नौबत नहीं आएगी। जी, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने इस तरीके का कोई ट्रांसप्लांट किया है तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि जैसे कि हमारी बॉडी में एक बहुत दर्दनाक प्रॉब्लम होती है सर, उसको कहते हैं अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स है तो उसमें तो एक जो है कि आंत बढ़ गई है, तो उसको सीधी बात है कि काटना ही पड़ता है सर, तो उसमें स्टेम सेल, हाँ, लेकिन उसके बाद जो उसका उसकी वजह से जो डैमेजेज आए हैं, अगर आप स्टेम सेल थेरापी लेंगे तो वो डैमेजेज जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि इन लोगों को नहीं लेना है, बाकी आप जो है कि जरूर लीजिए सर, जरूर लीजिए, आपको काम लगेगा सर। अब अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं सर, सोचने वाली है। हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है सर कि किसी को बीपी है तो भी हम यही प्रोडक्ट देते हैं, किसी को डायबिटीज है तो भी हम उसको यही प्रोडक्ट देते हैं, किसी की किडनी फेल है तो उसको यही प्रोडक्ट देते हैं, किसी का लीवर खराब है उसको भी यही देते हैं, किसी को एक्स वाई जेड कितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हम सारी यही प्रोडक्ट जो है कि लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो लोगों का सवाल ये आता है सर कि हम जब और किसी दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर ऐसा होता है कि एक बंदे को तीन प्रॉब्लम है, किडनी भी खराब है, लीवर भी खराब है, बीपी भी हो रहा है, डायबिटीज भी है, तो डायबिटीज के लिए अलग से गोलियां होती है, बीपी के लिए अलग से होती है, किडनी के लिए अलग से होती है, लीवर के लिए अलग से होती है। यार आप ऐसा तो कौन सा जो है कि शंकर भगवान की बबूत दे रहे हो, यानी कि वो चिमटी भर के बबूत देते ना कि तू खा ले ठीक हो जाएगा, कि ये सारी ही प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसके बारे में मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा सर, थोड़ा गौर से सुनना, आप समझ जाएंगे कि ये प्रोडक्ट मल्टीपल पर्पज के लिए क्यों दी जाती है, या कोई बंदा एक प्रॉब्लम के लिए लेता है तो बाकी सारी प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिक सॉल्व कैसे हो जाती है। तो इसका जो है कि सीधा सा मूल कारण है सर, और वो ये है कि ये प्रोडक्ट को आप अपनी बॉडी में लेते कैसे हैं। आप देखिए, हमारी बॉडी में कहता है ना कि प्रोडक्ट रिजल्ट देगा कि नहीं देगी, लोग ऐसा बोलते हैं, तो मैं उनका ये बोलता हूँ सर, प्रोडक्ट रिजल्ट जरूर देगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको जैसे बताया जाए वो आप ले, अगर लेके घर पे रख लेंगे तो प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देगी, जब आपकी बॉडी में जाएगी तो ही रिजल्ट देगी। यस, और बॉडी में किसी भी प्रोडक्ट को इंटेक कराने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका, या तो हम किसी चीज को खा सकते हैं, या फिर हम किसी को पी सकते हैं, या फिर हम किसी को चबा सकते हैं, या फिर हम जो है कि वो इंटेस्ट यानी के इंजेक्शन के द्वारा भी जो है कि हम अपनी बॉडी में इंटेक करवा सकते हैं, यानी के प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से अपनी बॉडी में इंटेक तो करवानी होती है सर। तो इस प्रोडक्ट को लेने का थोड़ा टेक्निक अलग है सर, और वो टेक्निक ये है जिसको कहते हैं सबलिंगुअल एप्लीकेशंस। इसको क्या करना है सर कि सुबह में उठ के ब्रश करने से पहले, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं सर कि ब्रश करने से पहले इसलिए कि हमारे मुंह में जो सलाइवा होती है वो भी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी ही होती है, और अगर आप ब्रश करने से पहले लेंगे तो वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो सलाइवा है वो कैटालिस्ट का काम करती है,
इसलिए जो है कि आपको फायदा ज्यादा मिलेगा अगर आप जो है कि बिना ब्रश के जो है कि ये प्रोडक्ट लेते हैं। तो इसका मतलब ये भी कतई ही नहीं है सर कि कुछ लोगों को बिना ब्रश किए कभी भी कुछ मुंह में डालना ही अच्छा नहीं लगता, तो ब्रश करने के बाद भी ले सकते हैं सर, तब भी वो प्रोडक्ट रिजल्ट तो देगी ही, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन अगर आप ब्रश करने से पहले ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। तो ब्रश करने से पहले इस जो जो आपके सामने जो आपको सैचेट दिया गया है, इस सैचेट को तोड़ के, याद रखे इसको हथेली में नहीं डालना है, कुछ लोग हथेली में डाल के फिर यूं मुंह में डालेगा, ऐसा नहीं करना है सर, क्योंकि सर इससे क्या है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगड़ती है, वो मॉइस्चराइज होगा और उसकी मजा नहीं आएगी। आपको क्या करना है कि ये पड़ीकी को ऊपर से तोड़ के जीभ के नीचे इस पाउडर को छोड़ देना है सर, ये इसको लेने का तरीका है सर। इसको कहते हैं सबलिंगुअल एप्लीकेशंस। बने वहां तक इसको भूखे पेट लेना है। भूखे पेट लेने का क्या फायदा सर? तो मैं ये कह रहा, मैं कोशिश करूंगा सर कि हर चीज का आपको जवाब मिले। मैंने भूखा पेट बोला है तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है सर कि हम खाने के बाद इसको नहीं ले सकते। अगर आप खाने के बाद लेंगे तो भी ये प्रोडक्ट रिजल्ट तो देगी ही, लेकिन फर्क कहाँ आएगा? जैसे कि आपको बहुत सारी भूख लगी हो सर और आपके सामने 5 रोटी रख दी जाए, तो पहली रोटी की इंपोर्टेंस आपके लिए बहुत जरूरी, मतलब बहुत ज्यादा होगी सर, फिर सेकंड की उससे कम, थर्ड की उसके सब। आप 5 रोटी खा लिया, उसके बाद में कोई 20 रोटी मिला के रखे तो फिर उस रोटी की इंपोर्टेंस नहीं होती सर। माई मीन्स ये है कि भूखे पेट क्या होता है सर कि हमारी बॉडी रिसेप्टिव मोड में होती है, और जब रिसेप्टिव मोड में बॉडी होती है तो उस समय में अगर कोई चीज इंटेक करवाई जाए तो उसका फायदा 100% मिलता है। इसलिए हम लोग अक्सर बोलते हैं कि सर आप जो है कि भूखे पेट अगर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको टंग के नीचे डाला जाता है सर, और टंग के नीचे क्यों डाला जाता है? हमारी जो ये जीभ है उसके नीचे 1600 से ज्यादा ब्लड कैपिलरीज के ओपनिंग है सर, यानी कि रक्त नलिकाओं के मुंह खुलते हैं। और आपने अगर जानकारी के लिए थोड़ा ज्यादा जानना चाहे तो कभी देखा हो आपके जीवन में, तो कभी कुछ लोगों को अगर हार्ट अटैक आता है और आपने कार्डियोलॉजिस्ट को फोन किया कि सर इस तरीके से हुआ है, तो वो आपको पहला सजेस्ट करेगा कि सॉर्बिट्रेट नाम की एक गोली मार्केट में इसमें लेके उसकी जीभ के नीचे रख लीजिए। वो इसलिए रखी जाती है सर कि वो बंदा हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तब तक मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो जो ट्रैक है, ट्रैक का मतलब कि जीभ के नीचे जो ब्लड कैपिलरीज के ओपनिंग है, यहां पर आप जैसे ही ये प्रोडक्ट डालते हो मेरे भाई, ये सीधा ब्रेन में जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी अटैच है ब्रेन से, और ब्रेन सीधा अटैच है ब्लड वेसल से, यानी कि रक्त नलिकाओं से। तो ये प्रोडक्ट बिना स्टोमक के प्रोसेसिंग के, अगर आप खाएंगे तो पूरा खाते हैं गले में से होके, फिर जो है कि वो वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, इस तरीके से पूरा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सर, उस सब में जाके डाइजेस्ट होके उसके बाद में जो है कि ब्लड में आता है। लेकिन ये सबलिंगुअल एप्लीकेशन से ये क्या होता है, डायरेक्ट ये ब्लड को इंजेक्ट कर, यानी कि सीधा ब्लड में जाएगा। इससे दो फायदा है, एक तो इसका फास्ट रिजल्ट होगा, सेकंड इसमें से जो प्रोडक्ट है वो कभी भी जो है कि बेकार नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो बहुत सारी प्रोडक्ट तो जो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ही रह जाती है, उसके बाद ही कुछ प्रोडक्ट आगे जा पाती है। तो ये डायरेक्ट यानी सबलिंगुअल एप्लीकेशन है। अब आपने मान लीजिए कि एक बंदे को किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की भी प्रॉब्लम है और डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है, तो सीधी सी बात है कि किडनी की प्रॉब्लम है मतलब किडनी का डिसऑर्डर है, लीवर का भी डिसऑर्डर है और पेनक्रियाज का भी डिसऑर्डर है। तो आप जानते हैं सर कि ये प्रोडक्ट जैसे ही आपके ब्लड में जाती है और ब्लड सीधा ये जाएगी ब्रेन के पास, और मेरे भाई इतना मान लेना कि इस बॉडी को जो भगवान ने बनाया है ना, ये भगवान दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है सर, उसने इतनी चीजों का ध्यान रखा है सर कि जिसका पार आज तक बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी नहीं पा पाए कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है सर। ये ब्रेन को सब पता है सर कि बाहर से जो चीजें आई है उसका कहाँ पर जरूरत है, वो उस चीज को वहां तक सप्लाई करता है सर। इस चीज की कहाँ जरूरत है कि नहीं है, नहीं है तो उसको बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है, वो सब ब्रेन को पता है, आपको नहीं पता है। और ब्रेन इस चीज को समझता है सर, और ब्रेन जब इस चीज को, तो ब्रेन के पास जाती है तो फिर वो ब्लड में चला जाता है, और ब्लड ट्रैवलिंग करके, ब्लड सर एक ऐसी चीज है जो चोटी से लेके एडी तक हर एक सेल्स तक ब्लड जाता है सर, और जिस सेल्स को ब्लड
सप्लाई नहीं होता, वो सेल्स डैमेज हो जाता है या मर जाता है सर, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे सर। लेकिन आपको इतना तो समझना ही होगा सर कि ब्लड हमारे हर एक ऑर्गन तक जाता है। अब वही ब्लड जो है कि सीधा लीवर के पास गया, तो हमारी बॉडी, मैंने जैसा कि बोला कि बाहर से जो चीज आई है उसकी कहाँ जरूरत है, वो बॉडी ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब करती है सर। तो लीवर जो है कि ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब करेगा, वही ब्लड आगे किडनी में जाएगा और किडनी को भी इसकी जरूरत है, वो ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब करेगा, और वही ब्लड आगे पेनक्रियाज में जाएगा और उसको अगर जरूरत है तो वो भी ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब करेगी। यानी कि ऐसा तो है ही नहीं सर कि भाई ब्लड जो है ये बोले कि भाई मैं ये जो प्रोडक्ट अपने साथ लाया हूँ वो मैं खाली जो है कि लीवर को ही दूंगा, मैं किडनी और पेनक्रियाज को, ऐसा तो होता नहीं है सर। तो ब्लड जहां जहां पर भी जाता है वहां वहां पर जो है कि इसकी सप्लाई होती है सर, और जहां भी इसकी डेफिशिएंसी होती है, जहां भी इसकी जरूरत होती है, ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब होता है। और इसीलिए सर ये प्रोडक्ट जो है कि मल्टीपल पर्पस के लिए दी जाती है। मल्टीपल का मतलब यह है कि आपको अगर ये पता है कि आपको एक डिजीज है सर, कोई एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर दूसरी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेती है सर। तो कहने का मतलब यह है कि ये इस तरीके से पूरी बॉडी में जाती है और इसलिए ये मल्टीपल पर्पज के लिए दी जाती है, और इसीलिए ये अकेली एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कर सकती है सर। अब जो है कि सवाल एक और आता है सर कि क्या ये प्रोडक्ट हम सिर्फ उन्हीं लोगों को दे सकते हैं जो बीमार है या जिन्हें कोई डिजीज है? तो मेरा जवाब आपको ये होगा सर कि ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट खाली बीमार को ही दिया जाए जी। पहली बात तो मैं आप सबसे, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सर, बहुत सारे लोग हैं, तो उन सबसे मैं एक बार एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि आप 100% हेल्दी हैं? तो जवाब मेरा आपसे यही है सर कि हम और आप तब तक ही 100% हेल्दी है जब तक कि हमने अपने बॉडी के पूरे रिपोर्ट नहीं करवाए। अगर आप आज अपनी बॉडी का सारे रिपोर्ट करवा ले तो मेरे भाई मैं ये आपको पक्का कह सकता हूं कि कुछ न कुछ तो निकल ही आएगा सर। आप जिस मोटरसाइकिल को चलाते हैं, आप जिस फोर व्हीलर को चलाते हैं सर, अगर वो चलती है और जब उसका उपयोग होता है तो उसकी मशीनरी घिसती है, उसको भी सर्विस करवाने की जरूरत पड़ती है, उसमें भी बहुत सारे जो है कि पार्ट्स डैमेज होते हैं, तो हमारी ये बॉडी भी भैया एक प्रकार की मशीनरी ही है और ये सतत चलती रहती है। लेकिन सर एक्चुअली हम लोग जो है कि कभी इसका ज्यादा ख्याल इसलिए नहीं रखते कि हमें ये मुफ्त में मिली है ना सर। आप फोर व्हीलर गाड़ी को 6 महीने में 2 बार सर्विस करवाने के लिए ले जाएंगे या उसका चेकअप करवाएंगे, लेकिन आप अपनी इस गाड़ी का कभी चेकअप नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसका क्या है सर, ये तो मुफ्त में मिली हुई है माँ बाप के द्वारा। लेकिन याद रखना दोस्त कि आपकी गाड़ी अगर ठीक होती है, नहीं होती है तो ठीक है, लेकिन जिस दिन ये खराब हो गई ना मशीनरी मेरे भाई, तो तीन तीन कहते ना कि 3 जन्म याद आ जाते हैं सर जी। इसीलिए तो कहता है कि पहला सुख निरोगी काया। मेरे भाई इस प्रोडक्ट को हम सभी को लेना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी पेशेंट को ही इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए, पेशेंट को तो लेना ही चाहिए, और क्यों किस प्रॉब्लम्स में ये काम करेगी तो उसका मैं जो है कि जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात पक्की है कि जो अपने आप को हेल्दी समझ रहे हैं सर उसको भी ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए, क्योंकि आप हेल्दी नहीं है। अगर आप नहीं मानना चाहते तो कल जाके रिपोर्ट करवा के ले लिया ये सर अपनी पूरी बॉडी का, 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इसको आप प्रिवेंशन के तरीके से भी ले सकते हैं, कहते हैं ना कि सर कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, प्रॉब्लम होने के बाद उसका इलाज करना इसके करता बेटर ही है कि हम ऐसा कुछ करें कि हमें प्रॉब्लम ही ना हो, तो हम इसे प्रिवेंशन के तरीके से भी ले सकते हैं सर। दूसरा एक और बात जो मैं आपको बहुत जरूरी, जितने भी लेडीज यहाँ पर बैठे हैं, जेंट्स भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबसे सवाल करना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हमेशा जवान रखना चाहते हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है या कोई भी लेडी ऐसी नहीं है कि जो अपने आप को बुढ़ा होता देखे। तो सर आपके लिए प्रोडक्ट बहुत परफेक्ट है, बहुत ही जोरदार है। गूगल के ऊपर जाना और हमारे यूएस की जो प्रथम लेडी मानी जाती थी मिशेल ओबामा, वो भी इस प्रोडक्ट को यूज करती है सर,
इस थेरापी का यूज करती है वो बीमार नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है सर कि ये प्रोडक्ट एंटी एजिंग फॉर्मूला भी है जी। अगर आप इसको, मैं कह रहा हूं कि एक सुबह और एक शाम, साल में अगर 3 महीने तक भी इस प्रोडक्ट को लेते हैं सर, तो मेरे भाई आपकी जो है कि ऐसे उम्र बढ़ेगी, देखिए उस उम्र को कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं ना कि सर की बनिए का ब्याज और घड़ी की सुई, आज तक कोई रोक नहीं पाया। महाभारत एक ऐसा समय था कि जब कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में जब गीता जी को जो है कि इंट्रोड्यूस किया था, तब उसने जरूर समय को रोका था। उसके बाद आज तक किसी से समय रुका नहीं सर। तो समय कभी रुकता नहीं है सर, और कभी रुकेगा भी नहीं, आपसे और हमसे तो बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि अगले साल जब आपकी बर्थ डेट आएगी, तो आपकी जिंदगी में एक साल और जुड़ जाएगा, उसे तो ये प्रोडक्ट नहीं रोक सकती। लेकिन बायोलॉजिकल एज यानी कि आपकी जो बॉडी की एज है, इसको ये घटाती है सर। कैसे? जैसे लेडीज को अमुक उम्र होने के बाद में ये आंखों पर जो है कि ये काले कुंडले होना शुरू हो जाता है, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाता है, और ये चमड़ी जो है कि एकदम लूज होना शुरू हो जाती है। तो मेरे भाई इसको अगर आप एंटी एज के तरीके से लेंगे, तो सबसे पहले तो आपका स्टैमिना एकदम जबरदस्त रहेगा। उसके बाद जो है कि आप ये जो जितने भी आर्टिफिशियल मार्केट में जो है कि साइड इफेक्ट्स वाली प्रोडक्ट, जितनी मेरी बहनें और मैडम्स बैठे हैं यहाँ पर, हम सबसे बोलना चाहूंगा कि ब्यूटी पार्लर में जाके जो है कि आप जितने प्रकार के, कहते हैं ना कि देखिए स्त्री का गहना होता है उसकी सुंदरता, और इंसान का भी गहना सुंदरता ही होता है सर, उसका स्टैमिना होता है। तो ये भी ये मेंटेन करने का काम करता है सर। आप एक बार लेने का शुरू कीजिएगा। आप जब लेते हैं तो अपना फोटो खिंचवा के रखना, और 3-4 महीना इस प्रोडक्ट को हर महीने हर साल में ले लीजिए। उसके बाद आपका फोटो खिंचवाना सर, आपका चेहरा में बहुत सारे अंतर आपको देखने को मिलेंगे, और आपको ये लगेगा कि यार मेरी उम्र जो है कि कम हो गई। यानी कि इसको एंटी एजिंग फॉर्मूला के लिए भी दिया जा सकता है, उसके लिए भी आपको लेना चाहिए, और अपने प्रिवेंशन के लिए भी आपको ये जो है कि जरूर लेना चाहिए। और बाकी जितने भी जो है कि अनक्योरेबल डिजीज वाले लोग हैं सर, उनको तो 1000% लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए, और लेना ही चाहिए। मैं रेनू मैडम से बोलूंगा कि जब 3 मिनट बाकी रहे तो एक बार मुझे याद करवा देना, तब तक के लिए मैं जो है कि आगे की बात करते हैं सर। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर जो है कि कितना डोज लिया जाए, मतलब डोज क्या है और कितने समय तक लेना पड़ेगा इसको। तो मेरी बात गौर से सुनिएगा भैया, ये प्रोडक्ट आपको अगर क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज का मतलब अगर किडनी फेलियर है, लीवर फेलियर है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, बीपी है, डायबिटीज है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया है, बच्चे नहीं हो पा रहे के, एक्स वाई जेड, इस प्रकार के जो जिनका कोई ट्रीट नहीं है सर, अगर इस प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे भाई, तो याद रखना इस प्रोडक्ट को आपको मैक्सिमम मैक्सिमम अधिकतम 8 से लेके 10 महीना, और कुछ केसेस में 12 महीने तक भी लेना पड़ सकता है। इतनी आपकी तैयारी हो तो ही इसको शुरू करना, अदरवाइज मत करना। हम यहाँ पर कमाने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं सर, भगवान की दया से बहुत कुछ है हम लोगों के पास, जितने भी लीडर है भगवान की दया से बहुत कुछ ठीक ठाक है। हमारा फर्स्ट जो मोटो है वो ये है कि जिस जो भी ये बंदा प्रोडक्ट ले रहा है उसको उस क्रॉनिक डिजीज से बाहर लाना है, उसको एक ऐसी लाइफ देनी है जो हेल्दी और वेल्दी दोनों हो, और उसको एक ऐसी लाइफ देनी है कि वो अपने बच्चों को पाल पोस सके। जहां पर डॉक्टर्स ने बोल दिया कि भैया इसका कुछ नहीं हो सकता, वो बंदा आगे की अपनी पूरी जिंदगी पूरा करे। एक बंदा मेरे को बोलता है सर कि सर आप बोल रहे थे कि आप अपनी जिंदगी उसकी जिंदगी बढ़ा लेंगे, ये मारना और जिंदा रखना तो भगवान के हाथ की बात है। मैं ये बिल्कुल सही बात है सर, पैदा होना है और मारना दोनों ही ईश्वर के हाथ में है सर, और जरूर होना ही चाहिए, उसी के हाथ में रहना चाहिए। आदमी के हाथ में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी के हाथ में आएगा तो वो जो है कि ज्यादा जिंदा रहने के बारे में सोचेगा, मरने के बारे में सोचेगा ही नहीं, तो नए कहाँ से पैदा होंगे। तो ठीक है ना सर, मैंने उनसे ये बोला कि देखिए भैया आप इस बात को मानिए, लेकिन अगर कहते हैं कि आपकी श्वासें गिनी हुई है, उससे ज्यादा एक श्वास आप ज्यादा नहीं ले सकते और कम भी नहीं ले सकते, तो हो सकता है कि अभी आपकी 10 साल की सांसें बाकी है, और आज आपको अगर कैंसर हो गया है तो 10 साल आपको जीना तो पड़ेगा, आप मरेंगे नहीं सर, लेकिन कैसे मर मर के जीना पड़ेगा ना सर, दुखी हो के मरना पड़ेगा, रीब रीब के मरना पड़ेगा, 10 साल तक मौत नहीं आने वाली। इससे बेटर यह है कि 10 साल बाद भगवान वैसे भी उठाने वाला है, लेकिन ये 10 साल है जो कैंसर को मिटा के हम क्यों ना हेल्दी लाइफ को ये किया जाए, ये तो हमारे हाथ में है ना सर, क्योंकि अभी तक तो था नहीं।
जब तक हमारे पास ये थेरापी नहीं थी, लेकिन अब तो पता चल गया क्योंकि इस थेरापी से कई हजार लोग, लाखों लोग ठीक हुए हैं, तो आप भी हो ही जाएंगे, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन भरोसा तो करना पड़ता है ना सर। तो कहने का मतलब ये है सर कि आपको ये प्रोडक्ट लेना ही चाहिए, और हर तरीके से जो है कि आपको लेना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। तो किसको कितनी लेनी चाहिए, तो कहने का मतलब एक बात दिमाग में याद रखना सर कि 8, 10 और 12 महीना मैक्सिमम इतना होता है सर, इतना आपको ले। हाँ, आपको रिजल्ट हो सकता है कि 1-2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में, 2 महीना या 3 महीने या 4 महीने में देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बंद कर लें, क्योंकि बंद कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम मूल से नहीं निकलेगी भैया। मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जो 2 महीने के अंदर ठीक हो गए, तो बोलते सर अब हम तो ले ही नहीं रहे। अरे नहीं ले रहे तो फिर होगा यार, क्योंकि हमें इसको जड़ से मिटाना है। इसलिए अपने दिमाग में रख के याद रखिए सर, नया सेल पैदा होके उसको एडल्ट होके वर्कआउट करने में 90 डेज की साइकिल होती है, 90 दिन तो मिनिमम एक नए सेल को पैदा होने में लग जाता है सर। तो इस बात को खास ध्यान रखना है कि इतने समय तो लेना ही है। अब डोज ये सेट करता है सर कि डोज ऐसा है कि डोज सेट करने के लिए हमें 3-4 चीजें देखनी पड़ेगी। पहला तो जिसको ये प्रॉब्लम है उसकी उम्र क्या है, दूसरा उसकी हाइट वेट क्या है, हाइट वेट के अनुसार ये है कि जितनी हाइट है उसके अनुसार क्या वेट है कि नहीं है, तीसरी बात ये देखना पड़ेगा कि इनको ये प्रॉब्लम है कब से है। इन सारी चीजों को देख के डोज सेट किया जाता है सर, क्योंकि रिजल्ट मिलने में हमारी बॉडी का सबसे बड़ा रोल होता है कि हमारी बॉडी कितना सपोर्ट करती है। तो याद रखना सर, जो क्रॉनिक डिजीज है उसके अंदर आपको डोज में जो है कि नॉर्मली भी हर रोज के 6 सैचेट देने पड़ते हैं, पहले 3 महीने तक देना ही पड़ेगा सर, और 3 महीने के बाद जब रिपोर्ट होता है तो उसके बाद अगर उसका रिकवर हो रहा है तो डोज घटाया जा सकता है, फिर 6 में से 5 अगले महीने, 1-5 फिर अगले महीने, 4 फिर 3 2 और फिर 1 और फिर कुछ नहीं, इस तरीके से होगा। शुरुआत कैसे करनी है मैं एक दो बात और भी कह देता हूं सर, याद रखिएगा जब आप ये प्रोडक्ट किसी को देंगे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, इस चीज के ऊपर मैंने कल चर्चा कर ली थी सर, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन 100 में से 1 बंदे को, कुछ लोगों को ये प्रोडक्ट जब लेंगे ना तो उनको ये लगेगा कि यार हो सकता है किसी को उल्टी हो, होती ही नहीं है सर, लेकिन 100 में से 1 को ऐसा हो सकता है, 100 में से 1 को ये हो सकता है मेरा पेट थोड़ा भारी भारी रह रहा है, ऐसा ऐसा। अगर इस तरीके से होता है तो सर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है सर। एक्चुअली बात क्या है सर कि हमारी बॉडी, कुछ बॉडीज ऐसी होते हैं सर कि जो बाहर की किसी चीज को एक्सेप्ट जल्दी नहीं करते, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा होता है सर, उसने कभी गोली नहीं खाई होती, बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उसको गोली लिख के देता है, तो वो एक गोली खाते ही उसको तुरंत उल्टी हो जाती है, तो क्या हम वो गोली बंद कर लेते? नहीं कर लेते सर, उसके दोनों हाथ पकड़ के भी उसको जबरन पिलाते हैं, एक बार पी लिया, 2 बार पी लिया, 3 बार, फिर तो वो खुद ही पिएगा। तो सेम वे में हमारी बॉडी का भी यही है सर, अगर ऐसा किसी को दिक्कत है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है सर, आपको वो प्रोडक्ट बंद नहीं लेनी है, 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, फिर ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये ध्यान खास रखना है सर। हो सकता है किसी को उल्टी हो, या हो सकता है किसी को थोड़ा पेट भारी हो, या हो सकता है। अच्छा, अगली बात, डायबिटीज का जो पेशेंट है या फिर सीरम क्रिएटिनिन यानी कि किडनी का कोई पेशेंट है, तो ऐसे लोगों को फर्स्ट मंथ में, पहले महीने में हो सकता है कि उनका डायबिटीज बढ़े, 300 रहता है, 500 हो सकता है, सीरम क्रिएटिनिन आपका 5 है 6 हो सकता है, तो उस चीज को देख के कई सारे लोग डर जाते हैं, अरे सर मेरा तो 323 को लिया, इससे थोड़ा ज्यादा हो गया। अरे नहीं भाई, ऐसा अगर हुआ है तो ये प्रोडक्ट ने अपना काम शुरू कर लिया है, और इसके पीछे बहुत सारा गणित है, इसके पीछे पूरी साइंस है जी, तो ये इसलिए हो रहा है, ये आपका हो सकता है एक आधा महीना ऊपर नीचे डाउन अप हो, लेकिन आपको प्रोडक्ट बंद अगर ज्यादा हो रहा है नो प्रॉब्लम, आप जो गोली खा रहे हैं खा के उसको कंट्रोल कर लीजिए, नो दिक्कत, अगर किसको उल्टी हुई तो उल्टी की गोली खा के उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसको बंद मत करना मेरे भाई, क्यों मत बंद करना, क्योंकि ये जो है कि एक आधा महीना आपका ऐसे ऊपर नीचे रहेगा, इसके बाद जो है कि ये ऊपर नीचे नहीं होगा, फिर वो नीचे ही आएगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि सर फिर आपको इसको भी, इस प्रोडक्ट को भी नहीं लेना है, इस प्रोडक्ट को भी नहीं लेना है, उसके बावजूद भी आपको अगर रसगुल्ले भी खाने हैं तो भी जो है कि वो प्रॉब्लम नहीं आएगा सर, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बात आप जिसको भी देते हैं या जो भी ले रहा है मेरा भाई पेशेंट, तो उसको इस बात को समझना चाहिए कि यही आपकी प्रॉब्लम का अनंत उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है मेरे भाई। या तो अंग ट्रांसप्लांट करें, और अगर अंग ट्रांसप्लांट करने जैसा नहीं है तो
तो उसका दूसरा कोई ट्रीट नहीं है, क्योंकि एलोपैथी ले लेके तो हमने अपने वाइटल ऑर्गन जितने भी और मतलब सेंसेटिव ऑर्गन है उनको भी तो खराब कर रहे हैं ना सर। तो ये यहाँ से आपका ठीक हो जाएगा सर, लेकिन इस चीज को आपको खास ध्यान रखना है, ऐसा अगर होता है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आपको इसको जो है कि रेगुलर रखना है। अच्छा एक और खास बात याद रखना सर, अपने पास आपको मान लीजिए तीन लीवर से की, 4 मिनट है सर। हाँ मैं फटाफट करता हूं, अगर आपके पास आपको लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर ऐसी कोई क्रॉनिक डिजीज है सर, तो आपको एक बात याद रखनी है सर, भले डायबिटीज है, आपको इस प्रोडक्ट को लेना शुरू करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं सर कि जहां से डॉक्टर्स की दवा चल रही थी उसको बंद कर लेते हैं। सर ऐसा नहीं करना है, ऐसा इसलिए नहीं करना है कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये प्रोडक्ट एक नया सेल पैदा होके उसको रिजेनरेट होने में उसका पूरा प्रोसेस में मिनिमम 90 डेज लगता है, तो वो सेल होके फाइट मारने के लिए तैयार होगा, तब तक अगर आपने ये प्रोडक्ट बंद कर लिया तो वो कंट्रोल से आगे निकल जाएगा और आपको दिक्कत क्रिएट होगी। इसलिए आपको क्या करना है कि जो डॉक्टर्स ने आपको ट्रीट दी है उसको लेते रहना है, बंद करने की जरूरत नहीं है, इसको शुरू करना है, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो डॉक्टर ही खुद वो गोलियां आपकी बंद करवा देगा, वो बोलेगा आपको अभी जरूरत नहीं है, वो खुद ही बोलेगा आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बोलेगा कि अभी आपको इससे ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बंद कर लेगा। तो इस चीज को जो है कि आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आप दे रहे हैं तो जो ट्रीटमेंट आप पहले से ले रहे हो उस ट्रीटमेंट को आपको बंद नहीं करना है जी, आपका डॉक्टर खुद बोलेगा कि आप इसको बंद कर लीजिए सर। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मैं और बात करूंगा तो फिर समय नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा बात अपन कल करेंगे सर। लोग पूछते हैं कि इसकी गारंटी क्या है कि ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लोग ये पूछते हैं कि सर मैं चलो एक बार ठीक हो जाऊंगा ये फिर से तो नहीं होगा, इसके ऊपर सारी बातें अपन कल जरूर करेंगे सर। तो मैं आशा करता हूँ कि कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और आपने मुझे इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप जो है कि अगर मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहे तो रेनू मैडम के थ्रू आप जरूर कर सकते हैं सर। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और कल इसी टाइम पर हम लोग वापस से जुड़ेंगे और थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्रोडक्ट जो है ना उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके ऊपर भी जाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। बाय बाय।